हेलो गाइस, वेलकम टू द पीएस किचन। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि यूट्यूब पर पहली बार है। हम हमेशा अपने घर पर इसको बनाते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। कुछ भी इंग्रेडिएंट की ज्यादा, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंग्रेडिएंट की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ली है 50 ग्राम कच्ची मूंगफली। अगर आपको कच्ची मूंगफली नहीं मिलती है तो आप भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं। अगर आप भुनी हुई मूंगफली लेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए हमने कच्ची मूंगफली ली है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिया है नमक, क्योंकि हमारी मूंगफली कच्ची है इसलिए हमें नमक के अंदर मूंगफली को भूनना पड़ेगा। आप चाहे तो रोस्ट भी कर सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कुछ नमक, थोड़ा सा नमक लिया था। नमक एकदम वाइट होता है, लेकिन आप नमक का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जैसे ही नमक का कलर चेंज होगा तो इसका मतलब नमक हमारा एकदम रेडी है। इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी कच्ची मूंगफली। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच में रखेंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए इनको भून लेंगे। तो हमारी जो मूंगफली है लगभग भून चुकी है। आप इनकी आवाज सुन सकते हैं कैसे चिड़क रही है, चटक रही है मूंगफली। 1 से 2 सेकेंड इनको इसी तरीके से हम और भून लेंगे, इसके बाद हमारी मूंगफली एकदम तैयार है। तो हमारी मूंगफली बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुकी है, अब हम इनको निकाल लेंगे। तो मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है, मूंगफली का हमने छिलका उतार भी लिया है, थोड़ा बहुत छिलका बचा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारी मूंगफली एकदम रेडी है। तो यहाँ पर हमने रखा है एक पैन, गैस की फ्लेम को अभी हमने लो रखा है। इसके अंदर हम डाल देंगे 25 से 30 ग्राम गुड़। ये हमारा देसी गुड़ है घर का, आप मार्केट से लाकर भी यूज कर सकते हैं, जो भी गुड़ आपको मिले आप उसकी बना सकते हैं। तो 25 से 30 ग्राम हमने गुड़ लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा जो गुड़ है मेल्ट नहीं हो जाता। गुड़ को आप जब भी मेल्ट करें तो उसके काफी बारीक करके टुकड़े कर लें, तो जब तो गुड़ जो है वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाता है, वरना गुड़ को मेल्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े कर लिए थे। अब देख सकते हैं लगभग हमारा जो गुड़ है काफी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर कर देंगे हाई फ्लेम पर, हम इसको पका लेंगे जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ हमारा थिक हो चुका है, जो हमारी जो चाशनी बनी थी गुड़ की वो काफी अच्छी थिक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बबल आ रहे हैं। जब आप इस तरीके से उठाकर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक थिकनेस आपको दिखाई देगी, जो ड्रॉप नीचे गिर रही है। तो बस हमें इतना ही रखना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मूंगफली। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और मूंगफली को 1 से 2 सेकंड अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम इनको पका लेंगे। अब हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो जो एकदम ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, अब हम इसको उतार लेंगे। आप चाहें तो दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं या फिर आप इसी बर्तन के अंदर इसको ठंडा कर सकते हैं। अब हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे 5 से 10 मिनट। जैसे जैसे हम चलाते रहेंगे वैसे वैसे ही ये एकदम चेंज होता चला जाएगा, तो आप देखते रहिए। चलाना बहुत जरूरी है वरना तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको मूंगफली को जब गुड़ में डाल दिया था तो कंटिन्यूअसली हम चलाते रहे, तो अब ये करते करते इस तरीके की हो गई। आप इनकी आवाज सुन सकते हैं, एक एक दाना बिल्कुल अलग हो चुका है। थोड़ी मशक्कत यानी कि थोड़ी मेहनत, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत इनमें लगती है,
तो अब हमारी जो ये मीट गुड़ वाली मूंगफली है वो एकदम रेडी हो चुकी है, तो अब हम इनको कर लेंगे सर्व। तो आपने देखा इनको बनाना कितना इजी है, सिर्फ गुड़ और मूंगफली की जरूरत है। तो अगर आपको हमारी आज की ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल द बी एस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।